अररिया के फॉरबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र में नाला क्रांति आ गई है। शहर के हर एक एरिया में युद्ध स्तर पर खुदाई चल रही है और मॉनसून पूर्व तैयारी को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बाबत कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार ने अलग अलग इलाकों का दौरा किया है और निर्माण कार्य का जायजा लिया है। हर साल बारिश में डूबने वाले फॉरबिसगंज को मुसीबत से बचाने के लिए करोड़ों की योजनाओं पर काम चल रहा है। सुल्तान पोखर के महाराणा प्रताप चौक पर नाला निर्माण कार्य जारी है। इस इलाके में अवैध अतिक्रमण को 12 घंटे के अंदर हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फॉरबिसगंज के ली अकादमी हाई स्कूल रोड और विरवान चौक पर भी नाला निर्माण कार्य हो रहा है। यहां से भी अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। फॉरबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। डाइट लाइन्स नेत्रालय सरस्वती विद्या मंदिर डीएसपी आवास सहित अन्य संस्थान तक पहुंच पथ को दुरुस्त किया जाएगा। क्वालिटी जो है उसकी जांच के लिए आए थे और साथ ही साथ एक अतिक्रमण था, अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण था जिसको नोटिस किया गया था हटाने के लिए। एक ने हटा लिया है, दूसरे ने भी आंशिक रूप से हटा लिया है जिसको आज शाम तक हटाने का निर्देश दिया गया है। और गुणवत्ता के रूप की भी यहाँ पे जायजा ली गई है, उसको भी चेक किया गया। तो सर गुणवत्ता का जांच किया है, यहाँ तो उजला बालू गिरा हुआ है। वो है किसी का निजी बालू है, वो निजी बालू है, उसका भी इंक्वायरी किया गया था। बाकी हम लोगों ने इसका जो भी है एस्टिमेट के अनुसार करने का निर्देश दिया गया है, शेष काम जो भी है ना।